हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भौतिक साइंस का प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 11 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ लोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह का वीडियो और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने किए थे। बात हुई है न्यूटन के बारे में तो हम लोग कुछ जान लेते हैं। न्यूटन ने ही सबसे पहले गति विषयक तीनों नियमों का प्रतिपादन किए। न्यूटन द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है प्रिंसिपिया है, प्रिंसिपिया में ही तीनों नियमों का प्रतिपादित किए थे 1687 में। तो इस प्रश्न से आप लोग इतना जानते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 में है किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का प्रथम नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है। अब हम लोग जान लेते हैं न्यूटन का प्रथम नियम है आखिर क्या। तो न्यूटन का प्रथम नियम है किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बी में है न्यूटन का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नियम से ही हम लोग निकालते हैं एफ बराबर एम ए। न्यूटन का थर्ड नियम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है न्यूटन का तीसरा नियम है। तो इस प्रश्न से आप लोग इतना जानते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 में है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है यह न्यूटन का गति विषयक कौन सा नियम है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। मैंने पहले वाला ही क्वेश्चन में बताया था कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, आपको बताया था प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है वो न्यूटन का तीसरा नियम है। तो इस प्रश्न से आप लोग इतना जानते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 में एक गतिशील बस अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है यह नियम पालन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम पालन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 में है गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने किए थे। न्यूटन द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है प्रिंसिपिया, आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 में रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी। न्यूटन का द्वितीय नियम और तृतीय नियम का योग का ही होता है संवेग संरक्षण बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 7 है। 7 में है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, कब होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले रहेंगे तब अधिक होगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 में है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। बात हुई जड़त्व का तो हम लोग जड़त्व के बारे में जान लेते हैं। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु स्थिति में है तो स्थित रहना चाहती है, अगर गतिमान में है तो गतिमान रहना चाहती है। और ये नियम किए थे न्यूटन बाबा ने। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। 9 में है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग के मान और दिशा दोनों नियत होगा तब क्या कहा जाता है, समरूप वेग, समरूप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 में है एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार को टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड का संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2mv हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 में है SHM गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है,
वक्र होगी क्या होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक दीर्घ वृत्ताकार होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है आया होगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाला घंटा को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।